बात उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां भूधसाव का खतरा फिर बढ़ गया। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर के एरिया में बड़ी दरारें दिख रही हैं। कई दरारें दिखने के बाद चारधाम यात्रा पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जिस सड़क पर दरारें आई हैं वो जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम से जोड़ती है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर उभरी इन दरारों ने जोशीमठ और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दिखी इन दरारों से लोग दहशत में हैं। दरारें जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच करीब 10 किलोमीटर तक फैली हैं। सड़क पर करीब 10 जगहों पर दरारें देखी गई हैं। बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क पर दरार ऐसे वक्त में दिखाई दी है जब दो दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। सड़क पर दरारें दिखने के बाद चमोली जिला प्रशासन हरकत में आया है। जिला प्रशासन ने एक्सपर्ट टीम को दरारों का मुआयना करने भेजा है। एक्सपर्ट टीम देखेगी कि दरारें कितने इलाके में हैं और कितनी खतरनाक है। ये टीम स्थिति का आंकलन कर रिपोर्ट देगी। बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क पर दरारें तीर्थयात्रियों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उत्तराखंड सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है।